Hello friends, good morning, namaste and welcome back to my channel again. Well guys, yaar, aaj 26 December, Christmas ka time chal raha hai. Aur aaj specially main thoda yaar Siliguri mein thoda kaam hai. To main pahunch gaya hu Kakrivita ka border mein, jo ki aajkal corona virus ka wajah se thoda problem hai jaane ke liye. Phir bhi yahan se main jaunga. Dekhte hain, koshish karte hain. Main abhi filhal Kakrivita ka border mein hu aur इंडिया का और जाके आता हूँ. यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है जाने के लिए, लेकिन कोशिश करूँगा मैं जाने के लिए. थोड़ा सिलीगुड़ी में थोड़ा काम है. ये रहा हमारा चेक पोस्ट, जो कि ये लास्ट हमारा चेक पोस्ट है. यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लास्ट चेक पोस्ट है हमारा, जो कि नेपाल का. और यहाँ से जो ब्रिज शुरू होता है, यही है हमारा नेपाल का बॉर्डर, जो कि ब्रिज पुराना ब्रिज है. कुछ सामान गिर गया है यार गाइस यहाँ पर, ऑटो रिक्शा का. तो गाइस ये है हमारा जो पुराना वाला ब्रिज, और ये जो नया है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा नया ब्रिज, जो कि एशियन हाईवे की ने बनाया हुआ है. एशियन हाईवे का रास्ता है, ब्रिज है ये. तो गाइस यार ये बहुत ही जल्दी बना दिया. कुछ 2 साल पहले शुरू किया था, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया. ये 2 साल भी नहीं लगा कम्प्लीट करने के लिए, बहुत ही जल्दी है कम्प्लीट हो गया ये रास्ता. और ये जो पुराना रास्ता है, छोटा मोटा गाड़ी के लिए यहाँ से होता है, और जितने भी बड़ा गुड्स कैरियर है वो जो है उस बड़ा वाला ब्रिज से जाता है दोस्तों. तो यहाँ से कुछ दूर आप देख सकते हो ये ब्रिज. तो वैसे यहाँ से आप देख सकते हो आगे में, यहाँ सामने में आप देख सकते हो, थोड़ा धूप लगा हुआ है, उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर SSB का एक बॉर्डर है, जो कि SSB वाला बैठता है यहाँ पर. और ये नया वाला ब्रिज आप देख सकते हो. यहाँ पर एक बॉर्डर पिलर भी दिखाई दे रहा है मुझे, नया, पहले नहीं था. तो गाइस यार मैं जा रहा हूँ ब्रिज. आप देख सकते हो यार ब्रिज, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पीछे में ब्रिज, बहुत ही ज़्यादा लंबा है ये, जो कि इंडिया बॉर्डर और नेपाल को कनेक्ट करता है. और आजकल तो ये ब्रिज भी जो है इसको मॉडिफाई करके, जो है इसको रिपेयर करके जो बहुत बढ़िया बना दिया है. ए फ्यू मिनट्स लेटर गाइस यार, इन नेपाल से जो है यहाँ बॉर्डर में आने के लिए तकरीबन मुझे आधा घंटा का जो है वेट करना पड़ा. मेडिकल टीम जब तक नहीं आएगा तब तक आपको नहीं भेज रहा है. मेडिकल टीम जो है 10 बजे बस आराम से, सरकारी नौकरी है, बस आराम से आएंगे वो लोग, बस अपना मेडिकल का टीम काम करेंगे बस वही. तो जब तक मेडिकल वाला टीम नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहा है, ये है यहाँ का सिचुएशन, जो कि सरकारी है भाई, उनको अच्छा से नौकरी मिल रहा है. बस 10 बजे आएगा मेडिकल टीम जो है, तब ही छोड़ेंगे. यहाँ का जो है ये सिस्टम है, जैसे आप देख सकते हो लोग इतना ज़्यादा खड़ा है यहाँ पर लाइन में, जो कि मेडिकल है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जाने वाला, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर जब तक मेडिकल टीम नहीं आएगा तब तक कोई नहीं छोड़ रहा है. तो गाइस यार मालूम नहीं ये सिस्टम जो है सरकारी सिस्टम में ख़राब है, पब्लिक में ख़राब है, या क्या में ख़राब है. तो इस चीज़ को जो है थोड़ा यू नो गौर करने से जो है पब्लिक को भी तकलीफ नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ का सिक्योरिटी है, जो कि SSB वाला है, उनको भी तकलीफ नहीं मिलेगा. तो गाइस यार मैं तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा बैठा हूँ यहाँ पर, अपना आई कार्ड दिखाया तभी जाने को मिल रहा है. तो यहाँ से मैं सिलीगुड़ी जाऊँगा, और सिलीगुड़ी जाके जो है थोड़ा मार्केटिंग करेंगे वहाँ पर, और फिर वापस आएंगे. और ना जाने इसी तरह लाइन लगना पड़ेगा ना क्या है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आई विश लाइन नहीं लगना पड़े. भाई जो डिफेंस पर्सन है उनको थोड़ा आगे का थोड़ा सा चांसेस है, जो कि छुट्टी आ रहा है, छुट्टी जा रहा है, उनको थोड़ा सा आगे जाने के लिए चांसेस है. नहीं तो बाकी सिविलियंस के जो है बिल्कुल ही वहाँ पर आपको लाइन लगना पड़ेगा.
इधर यहाँ पर आप देख सकते हो आगे ये है सिलीगुड़ी का सिटी सेंटर जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही भीड़ है, द वन एंड ओनली सिटी सेंटर ऑफ सिलीगुड़ी टाउन का। यहाँ पर आप लेफ्ट में देख सकते हो जो बिल्डिंग आप दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में आपको, ये है सिटी सेंटर सिलीगुड़ी का, वन एंड ओनली सिटी सेंटर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए होता है जो सिक्किम है, लाइक द नियर बाय स्टेट सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, और इवन नेपाल के भी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पर आता है। हम लोग भी बहुत बार आ चुके हैं यहाँ। सर यहाँ पर लिखा हुआ हैप्पी न्यू ईयर 2021 यार, तो आप सब लोग यार मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस यार फाइनली आफ्टर बहुत टाइम के बाद, कितना घंटा हुआ ये तो नहीं बताऊंगा मैं, मुझे भी पता नहीं चला, मैं पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी सिटी सेंटर में। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ से मैंने जाना है हॉन्गकॉन्ग मार्केट, जो कि मुझे पता नहीं है ऑटो या रिक्शा लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो पहुँच चुका हूँ मैं फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो बाजार का भीड़ होने शुरू हो गया है, यहाँ पर स्ट्रीट में जो है मार्केट में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो बैग वगैरह बहुत ही सुंदर बैग वगैरह है यहाँ पर। वैसे यार रोड साइड में बहुत ही बढ़िया मार्केट वगैरह है यहाँ पर, तो मुझे कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं, यहाँ जाके पूछता हूँ मैं रिक्शा वाला को, फिर वहाँ से जाएंगे अपने स्थान में। उससे पहले तो कह यार यहाँ पर मॉर्निंग है अभी, और बढ़िया बढ़िया पूरी बन रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो रोड साइड में, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है सुबह जो है ब्रेकफास्ट वगैरह खाएंगे, तो बहुत ही भीड़ भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो गए जा रही है शॉप्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर रास्ता में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ये रहा कपड़ा जो कि ठंडा सीज़न का कपड़ा बहुत निकल गया हुआ है, तो यहाँ उन्होंने ठंडा सीज़न का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा गाइस यार यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हो आप रोड साइड में, मार्केट में जाने का ज़रूरत नहीं है आपको, आपको यहाँ पर रोड साइड में मिल जाएगा। मफलर वगैरह आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है यहाँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मुझे कहाँ जाना मालूम नहीं, यहाँ थोड़ा आगे जाके पूछता हूँ मैं, फिर जाएंगे वहाँ पर अपना स्थान पर। गाइस यार ठंडा मौसम का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा निकल गया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कैसे हैं यहाँ पर इवन लोग जो है नेपाल से भी आके मार्केटिंग करते हैं यहाँ पर, नॉट ओनली लाइक सिक्किम दार्जिलिंग से तो ऑब्वियसली आते हैं यहाँ पर, लेकिन लोग जो है इवन नेपाल से भी जो है लोग यहाँ पर आता है। तो कैसे मुझे थोड़ा लगता है मुझे थोड़ा दूर आ गया हूँ मैं, यहाँ पर मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा ताकि जो है मैं सही जगह में जा सकूँ। फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस यार मैं उल्टा रास्ता आ गया हूँ, मुझे जाना है इसका तरफ, क्योंकि फिर वापस जाना पड़ेगा मुझे, गलत रास्ता।